राजस्थान में अरावली पर्वतमालाओं की गोद में बसा हुआ है एक गांव। हम आपको लेकर आए हैं इस गांव में, जिसे मोलेला कहते हैं। मोलेला झीलों की नगरी उदयपुर से 60 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक रणभूमि हल्दी घाटी के समीप बसा हुआ है। हमारे यहां तो हर नाम के पीछे कोई ना कोई किस्सा कहानी जुड़ी हुई है। यही बात मोलेला के साथ भी है। यहां के लोगों का कहना है कि ये गांव सड़क के एक मोड़ पर बसा हुआ है, इसलिए कभी इसे मोलेला कहते थे। धीरे धीरे ये मोलेला से मोलेला हो गया। अब मोलेला दुनिया के नक्शे में माटी की मूर्तियां बनाने वाले हस्तशिल्पियों के गांव के नाम से जाना जाता है। इसी गांव में ये घर है मोहनलाल कुम्हार का। मोहनलाल मूर्तियां बनाने और रंगने के काम में माहिर हस्तशिल्पी हैं। इन्होंने मिट्टी से ये कितनी बड़ी गणेश की मूर्ति बनाई है। हम सभी जानते हैं कि भगवान गणपति का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। गांव हो या शहर, कहीं भी कोई शुभ काम बिना गणपति की आराधना के शुरू नहीं होता। मोलेला की माटी से बनी गणेश की इस मूर्ति को गेरू से रंगकर आकर्षक बनाया जा रहा है। दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी माटी की इन मूर्तियों की पूजा करते हैं। वहीं ये मूर्तियां सजावट के काम भी आती हैं। अब मिलते हैं एक युवती से। ये जो पानी का मटका लेकर और घूंघट निकाले हुए महिला है, वो है कैलाश कुमारी। कैलाश कुमारी इस घर की बहू हैं। ये रोजमर्रा के काम पूरी जिम्मेदारी से करती हैं। जो भी फुर्सत का समय नहीं मिलता है, ये अपने परिवार की परंपरागत हस्तकला सीखती हैं। देखा ना आपने किस तरह धीरे धीरे गीली माटी को आकार दे रही हैं इनकी उंगलियां। कितनी डूबी हुई हैं ये अपने काम में, ठीक वैसे ही जैसे कोई प्रार्थना करता है, साधना करता है। देखिए तैयार हो गई ना भगवान गणेश की एक मूर्ति। इसी कच्ची मिट्टी की मूर्ति को आग में पकाते हैं और वो ऐसे भूरे रंग की हो जाती है। फिर इस पर गेरू का रंग पोतते हैं। जी, मेरा नाम तो कैलाश कुमारी है। मैं 12वीं तक पढ़ी हूँ। जी, मैं तो शादी के बाद से काम करने लगी हूँ, क्योंकि हम दूसरी जगह पे ये काम होता नहीं है। सब जगह दूसरा जैसा, पापा तो नौकरी करते थे, यहाँ पे आने के बाद जब देखा ये तो कुछ इच्छा हुई कि भाई हम भी करें ऐसा काम।
दो टाइम निकाल के थोड़ा बहुत सीखते थे, अब थोड़ा बहुत सीख गए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बना सकती, पर तो भी गणेश जी आता है। विदेश जाने की भी इच्छा है, अमेरिका है, कहीं पे भी एक जगह। गांव में क्या है कि राजस्थान है, यहाँ पे पर्दा प्रथा थोड़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे औरतों को निकलने नहीं देते बाहर, तो कुछ काम करने में उनकी अगर हो, और ज़्यादा क्या अनपढ़ है यहाँ के लोग, गांव की औरतें अनपढ़ है, इसीलिए उनको थोड़ा होता भी नहीं है कि हम कुछ करें आगे, थोड़ा फील करें तो है ना, मन में भावना होनी चाहिए। मैं तो सोचती हूँ कि कुछ करें तो ठीक है। ये जो अलग अलग चेहरे वाली मूर्तियां देख रहे हैं, ये इस इलाके के लोक देवता की हैं, जिन्हें भील करासी आदिवासी पूजते हैं, लोक संस्कारों में शामिल करते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हस्तशिल्पी मोहनलाल जी से बात करते हैं। मैं जो है, मेरा नाम यहाँ के हम मोलेला के निवासी हैं, और हमारे पिताजी का नाम चतुर्भुज है और सात भाई है। तो यहाँ के परंपरा कई वर्षों से, कम से कम 1200 वर्षों के पुराने जो है, यहाँ इतिहासिक है, जो उसमें बगड़ावतों के वक्तों का इतिहास है, और राजस्थानी लोग देवी देवताओं परंपरा से बनते आए हुए, और हमारे पिताजी के सात भाई है, हम पांच भाई है, और हमारे जो है दो लड़के हैं, और हमारे लड़के की वाइफ भी काम करती है टेराकोटा में। बाकी हमें ये चाहते हैं गवर्नमेंट जो है ऐसा कुछ यहाँ खोल के हमें बतावें और सब लोगों को सिखावें, तब लोग उन पे का कोई जानते ही नहीं है कौन सी का कला कैसे बनती है कैसे नहीं है। तो ऐसी हैं मोलेला की मूर्तियां और मोलेला गांव, माटी के लोक देवताओं का जन्म स्थान। ठीक है।